अगर मान लीजिए किसी को पता चल गया, I'm not that much into it, so I have no clue. Personal डर नहीं सही होगा. तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है बैंक अकाउंट में कम कैश रखना. चुना मेरा ही लगेगा. पता कैसे चलेगा, हम बताएंगे तो ना चलेगा. Hey everyone, स्वागत है आप सभी का साइबर ब्रीज टीवी पे. तो आज हम आए हैं कोई बात है के सबसे बड़े मॉल में आम जनता से बात करने कि वो फाइनेंशियल स्कैम के बारे में कितने जागरूक है. तो चलिए बात करते हैं. अच्छा, आजकल हम लोग पासवर्ड्स लगाते हैं, तो सेम पासवर्ड को आप मल्टीपल अकाउंट्स पे यूज करते हैं? जी नहीं. हाँ, ऐसा किया तो है मैंने. हाँ, करते हैं. नहीं, सेम पासवर्ड को. हाँ, कभी कभी हो जाता है, बट आई ट्राई नॉट टू. बिल्कुल नहीं लेना चाहिए सेम पासवर्ड यूज. मैं कोशिश करती हूँ चेंज करते रहने के लिए. नहीं नहीं नहीं. क्यों, आपको क्या लगता है ये सेफ है कि नहीं है? अभी तक तो सेफ है. देखिए, कुछ भी सेफ नहीं है एक्चुअली. नहीं, ये सेफ नहीं है. सेम पासवर्ड यूज नहीं करना चाहिए. अगर हम जानते हैं तो सेफ है. कोई अकाउंट एक बार हैक हो जाता है तो दूसरे अकाउंट में हैक होने का चांसेस है. बट इट गेट्स अ लिटिल हेक्टिक टू कीप अ ट्रैक ऑन ऑल द बैंकिंग पासवर्ड. पासवर्ड अगर सब जगह भी सेम दे दिया तो बेसिकली कभी भी फ्रॉड भी हुआ एक बैंक का होगा. सब बैंक का अगर हो गया तो चूना मेरा ही लगेगा. अगर मान लीजिए किसी को पता चल गया. हाँ, तो सेफ नहीं है. They want to do something, they will do it. क्रैक करने वाले लोग इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं, इसलिए आप अपने पासवर्ड को 3 महीने में चेंज करते रहना चाहिए और मल्टीपल विथ करेक्टर्स एंड न्यूमेरिक इसको मिक्स करके चेंज करके लेना चाहिए और अपने नाम का पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए. कभी पब्लिक वाईफाई यूज करके ऑनलाइन पेमेंट किया है? एकदम नहीं. पब्लिक वाईफाई यूज करके नहीं किया. आई यूज माई ओन डेटा. पब्लिक वाईफाई तो हम यूज नहीं करते हैं. हम नहीं जानते इसके बारे में. मैं कोशिश करता हूँ नहीं करने का. हाँ, पब्लिक वाईफाई करके यूज करके मैंने पेमेंट तो किया. नहीं, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आई ऑलवेज कीप अ चेक. या फिर अभी मुझे कोई पेमेंट करना है तो मैं उस टाइम पे यूज करता हूँ. शायद वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कार्ड्स यूज करने का. एज पर साइबर क्राइम इंस्ट्रक्शन अनसेफ है. पब्लिक वाईफाई कभी भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता कि ये वाईफाई सिक्योर है या नहीं है, इसलिए ये वाईफाई कभी भी यूज नहीं करना चाहिए फॉर योर सिक्योरिटी. लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि हम लोग देखते हैं ना, हम लोग आजकल ज़्यादा टाइम इंस्टा बोलिए फेसबुक या यूट्यूब में बिताते हैं. वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे डील्स देखने को मिलते हैं, लाइक 70% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, फ्री गिफ्ट्स भी मिलते हैं. तो इन सब पे आप भरोसा करते हैं? एकदम नहीं. आई एम नॉट दैट मच इनटू इट, सो आई हैव नो क्लू. नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं. एंड मेरे पास आते रहते हैं बहुत सारे स्कैम्स, बट मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता उसमें. कुछ कुछ टाइम फेक भी होता है, कुछ कुछ टाइम रियल भी होता है. नहीं नहीं, मैं एफसेट कुछ देखते हैं तो खुलता है, उसमें कोई क्लिक भी नहीं करता. गलत लिंक हो सकता है क्योंकि वहाँ पे दबाने में मेरा कुछ फोन से जो डिटेल्स वो गवा सकता हूँ मैंने. इन लिंक्स को कभी भी नहीं खोलना चाहिए. आपके महत्वपूर्ण डाटा लीक हो सकते हैं आपके फोन से. मैं कोशिश करती हूँ कि जो बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, जैसे अमेजोन, मिंत्रा, ये सब जगह से मैक्सिमम टाइम शॉपिंग करूँ. पर आजकल क्योंकि इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो काफ़ी रील्स आते हैं, तो मैं हमेशा जेन्युइन रिव्यूज़ चेक करने की कोशिश करती हूँ और उनका पेज जाके देखती हूँ कितना पुराना है. मतलब आई ट्राई कीप सर्चिंग इट एवरीवेयर इन गूगल इफ दे हैव अ प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट और नॉट. तो दोस्तों, ये थी हमारी और आपकी राय. इस बढ़ते हुए फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने का बस एक ही तरीका है कि हम और आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें. ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली और सबके साथ शेयर कीजिए.